हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रिप। आज आपके लिए लेके आ गए हैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा का। दोस्तों ग्रैंड विटारा गाड़ी तो पूरी तरह से बदल दी गई है, बट इस ब्रांड की हिस्ट्री पुरानी नहीं है। पर्टिकुलरली अगर इस नाम की बात करें तो 2009 से लेकर 2016 तक ये गाड़ी इंडियन मार्केट में प्रोवाइड कराई जाती थी, और आप देख सकते हैं ये पेट्रोल ओनली मॉडल पहले भी था और अब भी सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आ रहा है। एक आपको मिलेगा सेल्फ माइल्ड हाइब्रिड और दूसरा ऑप्शन मिलता है प्रॉपर हाइब्रिड। डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ये गाड़ी लगती है, और ग्रिल वगैरह सभी चीज़ें इन प्लेस हैं। अच्छा दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो गाड़ी आप अपने सामने देख रहे हैं ये थोड़े से कस्टमाइज्ड ऑप्शन के साथ आती है। ऐसा नहीं है कि इसमें सभी चीज़ें बिल्कुल रॉ है, और ये गाड़ी टॉप एंड वेरियंट नहीं है क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स, हेड्स अप डिस्प्ले और एक डिजिटल स्पीडोमीटर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसकी फ्रंट लुक्स की, और आपको दिखाता हूँ इसके सभी एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले सेंटर की बात करें तो यहाँ पे क्रोम का भरपूर यूसेज आपको देखने को मिलेगा, जो कि अगेन एक यू शेप फॉर्मेशन में या एक सर्कल फॉर्मेशन आप इसे बोल सकते हैं, सुजुकी के लोगों के साथ 360 डिग्री कैमरा। यहाँ पे पियानो ब्लैक में ग्रिल, नीचे आप देखेंगे तो नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है, और ये स्किड प्लेट पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एयर डैम प्रोवाइडेड है, और ये जो पियानो ब्लैक और क्रोम के टचेज हैं ये अगेन आपको एक्सेसरीज के ही पार्ट में मिलते हैं। यहाँ देखेंगे तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ट्राईपॉड, LED DRLs जो डुअल फंक्शन करते हैं इंडिकेटर का, और क्रीज लाइंस वगैरह आप देख सकते हैं। स्टैंड्स की अगर बात करें तो प्रॉपर SUV वाले स्टैंड्स के साथ ही आती है। स्क्वायर्ड व्हील आर्चेस दिए गए हैं और 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं यहाँ पे। दोस्तों ये गाड़ी है डुअल टोन के अंदर, और पियानो ब्लैक ओवरवियम्स, पियानो ब्लैक रूफ आपको मिलेगी। ओवरवियम्स के ऊपर ये जो क्रोम आप देख रहे हैं अगेन एक्सेसरीज का पार्ट है, और 360 डिग्री कैमरा यहाँ दिया गया है। डोर के लोअर पार्ट पे अगर बात करें स्किड एरिया की, तो ये सभी चीज़ें आपको पार्ट ऑफ एक्सेसरीज मिलेंगी, जितना भी क्रोम और पियानो ब्लैक का टच है। डोर हैंडल्स के ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर दे दिए गए हैं, बी पिलर आपके मैट में, इवन रेन वाइजर विद क्रोम जो लगाए गए हैं ये पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। पैनोरामिक सनरूफ दी गई है, और इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं एक शार्क फिन एंटीना। दोस्तों यहाँ पे आप गार्निश देखेंगे तो ये सिल्वर कलर में दी गई है। और अब आ जाते हैं रेयर की तरफ, तो अगेन ट्राईपॉड डिज़ाइन LEDs के अंदर दिया गया है, जो कि कनेक्ट होके यहाँ पे आपको सुजुकी के लोगों की तरफ डायरेक्ट करता है। ग्रैंड विटारा की बैजिंग, कैमरा की प्लेसमेंट हैलोजन में, आपको लाइट्स दी गई हैं नंबर प्लेट के लिए, और राइट साइड में आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। नेक्सा की बैजिंग, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ नेक्सा के थ्रू मिलेगी। वाइपर, वॉशर, डी फॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पे दे दिया गया है। बम्पर के लोअर पार्ट पे आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स और रिवर्स लैम्प, ये जितना पार्ट आप देख रहे हैं अगेन पियानो ब्लैक और क्रोम में, ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। चार पार्किंग सेंसर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी के हार्ट यानी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ है इसका इंजन बे, और पीछे आपने देखा था स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है, तो ये है मारुति का K15C पेट्रोल इंजन। उसके अलावा इसमें आपको प्रोवाइडेड है एक माइल्ड हाइब्रिड मैकेनिज्म। उसके अलावा आपको जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है वो इंजन मिलेगा आपको टोयोटा से सोर्स, और ऑल व्हील ड्राइव सेटअप भी इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर किया जाएगा। दोस्तों ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, तो इसमें हेड्स अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, ईवी मोड वगैरह आप नहीं देख पाए। उसके अलावा चलते हैं अब इंटीरियर की बात करते हैं और बाकी डिटेल्स की तरफ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले डोर पैनल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको टेक्सचर्ड फिनिश देखने को मिलेगी। क्रोम में डोर हैंडल्स दिए गए, यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, साथ में लॉक अनलॉक, विंडो लॉक और पावर विंडो कंट्रोल्स दिए गए। बाकी दोस्तों लेदर अपहोल्स्ट्री यहाँ पे यूज़ करी गई है, बॉटल होल्डर्स हैं, स्पीकर्स की प्लेसमेंट है, ट्विटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। चलिए अब बात करते हैं राइट साइड से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AC वेंट्स दिए गए हैं जिनमें पियानो ब्लैक सराउंड है, स्टार्ट स्टॉप बटन प्रोवाइड करा दिया गया, हेडलैम्प लेवलर, और उसके अलावा 360 डिग्री व्यू का बटन यहाँ पे दे दिया गया। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ से आप फ्यूल फिलर कैप और अपना बोनेट ओपन कर सकते हैं। स्कफ प्लेट दोस्तों नेक्सा की यहाँ पे लगाई गई हैं, और उसके अलावा आ जाते हैं स्टेयरिंग की तरफ, तो यहाँ स्टेयरिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, जो कि फ्लैट बॉटम नहीं है। लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे मीडिया कंट्रोल, राइट साइड में मिलेंगे क्रूज कंट्रोल के बटन, फॉलिंग के स्विचेस यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा,
जो कि आप इस टाइम देख सकते हैं, और सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम दे दिया गया। एक बार ऑन करने की कोशिश कर लेते हैं, तो यहाँ पे पावर बटन दे दिया गया और 360 व्यू आपको जिस तरीके से इसका 360 कैमरा देख सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा अगर ऑडियो में थोड़ा इशू आ रहा हो, क्योंकि यहाँ सभी लोगों को शूट करना होता है, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप इसे टॉगल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एडजस्टमेंट्स वगैरह आपको दे दी गई हैं। और स्पीकर सिस्टम की अगर बात करें, चलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो टच स्क्रीन रिस्पॉन्स आपको दिखा देता हूँ। तो टच ओवरऑल काफ़ी सही है, और एवरेज की अगर बात करते हैं तो 27.97 की फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे ये गाड़ी क्लेम करती है। हजार्ड लैम्प स्विच यहाँ पे दिख रहा है, सिल्वर एक्सेंट्स, पियानो ब्लैक कट है, ऑटो एसी, और उसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोवाइडेड है ऑटो ऑफ के बटन्स। 12 वोल्ट सॉकेट यहाँ पे दे दिया गया है, यूएसबी सॉकेट है, और वायरलेस चार्जर यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि 6-speed ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर है, वो यहाँ पे दे दिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की आपको कीज़ देखने को मिलती हैं, जो कि टिपिकल मारुति की जैसे आप बोल सकते हैं। उसके अलावा आर्मरेस्ट यहाँ आपके सामने है, और स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आ रहा है ये आर्मरेस्ट। स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो आर्मरेस्ट के अंदर आपको स्टोरेज प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे पैसेंजर साइड तो आपको लेदरेट का यूज़, टेक्सचर्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा। उसके अलावा ग्लव बॉक्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ आप देखेंगे ग्लव बॉक्स के अंदर आपको कोई भी इल्यूमिनेशन प्रोवाइडेड नहीं है, बट ठीक ठाक साइज़ का ग्लव बॉक्स यहाँ दे दिया गया है। पैसेंजर डोर पैनल इस टाइम आपके सामने है, और इंटीरियर से वाकई ये गाड़ी लग्जूरियस ज़रूर फील होती है। ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे सनशेड की बात करें तो पैसेंजर साइड मिरर विद लाइट प्रोवाइड करा दिया गया। उसके अलावा सेंटर में आपको ट्विन केबिन लैंप्स, पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स, ये आप देख सकते हैं पैनोरामिक सनरूफ हो चुकी है इस टाइम ओपन, और डुअल स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आ रही है, जो कि काफ़ी बड़ा व्यू आपको प्रोवाइड करा सकती है। और यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है एक सनग्लास होल्डर, उसके अलावा एक ऑटो डिमिंग IRVM, और अगर बात करते हैं ड्राइवर साइड की तो यहाँ पे भी आपको मिरर प्रोवाइडेड है, जिसके अंदर लाइट भी दे दी गई है। उसके अलावा बात करते हैं स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट की, तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह की एडजस्टमेंट यहाँ पे दे दी गई है, और हेड्स अप डिस्प्ले इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके कई सारे वेरिएंट्स आने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ वेरिएंट्स में कुछ फीचर्स कम देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बात करते हैं, चलिए अब इग्निशन कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सेटिंग्स में चलते हैं तो यहाँ पे आपको बेसिक सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, और उसके अलावा टच रिस्पॉन्स यहाँ पे काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। बाकी वॉल्यूम को कर देते हैं इस टाइम ऑफ, और चलते हैं बैक सीट पे, वहाँ बताते हैं आपको सभी चीज़ें। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ना ही वेंटिलेटेड सीट्स, ना ही ड्राइव मोड, तो ये कहीं ना कहीं एक लोअर वेरियंट है इस गाड़ी का। चलिए अब चलते हैं बैक सीट पे। बैक सीट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रेयर डोर पैनल की, तो यहाँ पे आपको टेक्सचर्ड प्लास्टिक दिखाई देगा, क्रोम में इनसाइड डोर हैंडल, उसके अलावा लेदरेट का यूसेज यहाँ पे दिखाई देगा, पियानो ब्लैक का टच, कॉइन होल्डर, बॉटल होल्डर और स्पीकर की प्लेसमेंट। यहाँ पे भी आपको नेक्सा की स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं तो माफ़ी चाहूँगा लाइटिंग थोड़ी कम है, बट पैनोरामिक व्यू आपको डुअल स्लाइडिंग सनरूफ के साथ यहाँ दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे ट्विन कप होल्डर्स के साथ यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया, और यहाँ पे प्रोवाइडेड है रेयर एसी वेंट्स और ट्विन पावर सॉकेट्स। हम्प की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा हम्प नहीं है, हम थोड़ा बहुत हम्प यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। बाकी आर्मरेस्ट आगे भी सारे एडजस्टेबल हैं, और रेयर में भी 3 एडजस्टेबल आर्मरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं। चलिए अब चलते हैं बूट की तरफ। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका बूट सेक्शन, और बूट में कितनी जगह है, क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पे आपको एक हुक, एक थोड़ी सी स्पेसिंग देखने को मिल जाती है, 60-40 स्प्लिट सीट्स आप देख सकते हैं। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे बूट लैंप आपको प्रोवाइडेड है, थोड़ी स्पेसिंग और मिल जाएगी, और उसके अलावा एक 12 वोल्ट सॉकेट। चलिए नीचे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एक स्पेयर व्हील प्रोवाइडेड है, जो कि स्टील व्हील है, और अलॉय यहाँ पे मिस कर दिए गए हैं।
टायर साइज़ है 215/60R17। चलिए बूट को कर देते हैं अपन। तो दोस्तों, देखा आपने इस मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा मिड साइज़ एसयूवी का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। ये कस्टमाइज वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया, और सभी डिटेल्स आपने जान ली होंगी। कॉम्पिटिटर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हिंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, एमजी एस्टर, स्कोडा कुशाक, वॉक्स वैगन टाइगन और टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ज़रूर लिखिएगा कॉमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको ये गाड़ी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।